डोमिनोज कैसे खेलते हैं? देखिए, इस गेम को डोमिनोज कही जाने वाली रेक्टेंगुलर टाइल्स के सेट के साथ खेला जाता है। हर एक डोमिनो रेक्टेंगुलर होता है, जिससे एक लाइन बीच से पास होती है और लाइन दो स्क्वायर्स में सेपरेट करती है। हर एंड या तो ब्लैंक होता है या फिर उस पे कुछ स्पॉट्स होते हैं, वही जिनको पिप्स या डॉट्स कहते हैं। कि डोमिनोज के लिए आपको क्या चाहिए? डोमिनो टाइल्स का सेट, जिसे बोन्स भी कहते हैं, एक फ्लैट सरफेस, एक पेपर और एक पेंसिल। इसे खेलने के लिए कितने प्लेयर्स की संख्या होनी चाहिए? देखिए, डोमिनो को 2 से 8 प्लेयर खेल सकते हैं। अगर 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो आप अपने ऑपोजिट बैठने वाले के साथ टीम बना सकते हैं, या फिर आप सभी अलग अलग भी खेल सकते हैं। इस गेम को खेलने के लिए ना दोस्तों, कम से कम 2 प्लेयर्स और एक डबल सिक्स का सेट चाहिए होता है। एक डबल सिक्स के सेट में 28 टाइल्स होते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, अगर आप 3 से ज्यादा प्लेयर्स के संग डोमिनोज खेलना चाहते हैं तो 9, 12, 15 या 18 का सेट। एक डबल सेट 9 में 55 टाइल्स होते हैं, एक डबल 12 सेट में 91 टाइल्स होते हैं, एक डबल 15 सेट में 136 टाइल्स होते हैं दोस्तों, और एक डबल 18 सेट में 190 टाइल्स होते हैं। पहले कौन खेलता है? तो हर प्लेयर एक डोमिनो ड्रॉ करता है। जिस प्लेयर के हाईएस्ट डबल होंगे वो पहले खेलेगा। अगर डबल नहीं बनता तो जिसकी टाइल सबसे ज्यादा हैवी होगी, यानी कि सबसे ज्यादा पिप्स वाली टाइल, वो पहले खेलेगा। और जो पहली टाइल खेलता है ना, फिर गेम लेफ्ट साइड से उसके क्लॉकवाइज चलती है। चलिए अब बात करते हैं गेम की प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, सभी डोमिनोज को उल्टा रखें, फिर सभी प्लेयर्स अपनी तरफ से 60 डोमिनो ड्रॉ करेंगे। अब पूरे ढेर में से किसी भी टाइल को उठा सकते हैं, लेकिन एक बार उठाने के बाद टाइल को वापस पाइल में नहीं रख सकते। और दोस्तों, बचे हुए डोमिनोज पाइल को ड्रॉ करने के लिए जो यूज होते हैं ना, उसे कहते हैं बोन यार्ड। अब देखिए, ये टाइल्स टेबल पर उल्टी पड़ी रहती है ताकि जब कोई प्लेयर अपनी तरफ से खेलने के लिए अनेबल हो तो किसी और पाइल को ड्रॉ किया जा सके। अपने सामने 60 डोमिनोज को इस तरह से सेट करें कि उनको आप तो देख सकें, लेकिन आपके अलावा कोई और ना देख सके। गेम को शुरू करते हैं। वही जो पहला प्लेयर है वो अपनी चूज की गई टाइल को टेबल पर सीधा रख के स्टार्ट करता है। अब देखिए, अगले प्लेयर को उसी डोमिनोज में से एक डोमिनो के एक एंड टाइल को फर्स्ट टाइल के साथ मैच करना होता है, और हर टर्न में प्लेयर्स को एक टाइल बचानी होती है। अगर एक डबल प्ले हो जाता है तो उसी लाइन में सीधा रखा जाता है और दोनों एंड्स के पिप्स को काउंट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक ब्लैंक साइड की टाइल को बचाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक ब्लैंक साइड की टाइल के साथ ही मैच होगी, ये याद रखना। कई बार क्या होता है कि लोग ब्लैंक टाइल को वाइल्ड टाइल बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप इसकी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से टाइल नहीं खेल सकते तो आप ड्रॉ ढेर में से टाइल को उठा सकते हैं। अगर पाइल में से उठाई टाइल बोर्ड पर किसी टाइल के साथ मैच होती है तो आप इसे प्ले कर सकते हैं, और दोस्तों अगर नहीं होती है तो इसे अपनी तरफ ऐड कर लीजिए। फिर टर्न नेक्स्ट प्लेयर को पास हो जाती है, ठीक है ना। कि अगर ड्रॉ की गई पाइल में एक भी डोमिनो नहीं बचती तो प्लेयर पास कर सकते हैं। तब तक टर्न लेते रहे जब तक किसी प्लेयर की सारी टाइल्स खत्म नहीं हो जाती। चलिए अब ये बताते हैं आपको कि राउंड कैसे जीता जाता है। दोस्तों, जिस प्लेयर की सारी टाइल्स सबसे पहले बच जाती है वो प्लेयर उस राउंड का विनर होता है। फिर हर प्लेयर अपने सामने पड़ी हुई टाइल्स के डॉट्स के नंबर को ऐड करेगा, फिर उन सभी नंबर्स को ऐड करके उस राउंड के विनर को कॉलम में ऐड करके, अगर सभी पास हो जाते हैं तो बचे हुए टाइल्स पर सबसे कम नंबर ऑफ डॉट्स वाला प्लेयर विनर होगा। लेकिन हाँ, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है भाई। अगर आप राउंड जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम जीत चुके हैं। जब तक पूरा गेम खत्म नहीं होता तब तक आपको बहुत सारे राउंड्स खेलने पड़ेंगे। डोमिनोज गेम कैसे जीता जाता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। 100 से 250 पॉइंट्स का यूजुअली एक गेम माना जाता है। जो प्लेयर या फिर कहें कि एक जोड़ी इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लेती है वो होता है भाई इस गेम का विनर। कि दो प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो दो प्लेयर्स में 100 पॉइंट्स का गेम होता है, और अगर तीन या उससे ज्यादा प्लेयर्स खेल रहे हैं तो गेम होता है 250 पॉइंट्स का। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कॉमेंट करें। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।